हेलो हेलो रहा है साउंड क्या ठीक है भाई प्लीज़ बताइए अब साउंड क्लियर है ठीक 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 है चलिए मैं शुरू करता हूं थोड़ा सा डिले हो चुका है प्लीज़ सारे भाई को जोड़िए वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा भाई को जोड़िए ताकि सारे लोग मतलब वीडियो को कंटिन्यू करें देख पाएं और सीख पाए चलते हैं आज का मैं सेशन शुरू करता हूं भाई फ्रेजल भॉ देखिएगा फ्रेजल फ्रेजल क्या है है समझिए एक्चुअली में होता एक से निर्मित एक फ्रेज बोलिए या कंपाउंड बोलिए जो भी बोलिए वो फ्रेजल भव होता है फ्रेजल भव में होता क्या है कि किसी भर्व के साथ प्रीपोजिशन या एडवर्ब या फिर एडवर्ब प्लस प्रीपोजिशन को जोड़ देते हैं तो उसका मीनिंग कंप्लीटली चेंज हो जाता है तो इसी स्ट्रक्चर को बोला जाता है फ्रेजल भाव। वंस अगेन यदि किसी भाव के साथ किसी प्रीपोजिशन, किसी एडभव या फिर एडभॉव प्लस प्रीपोजिशन का यूज करके उसके मीनिंग को कंप्लीटली चेंज कर दिया जाता है तो उसी को बोला जाता है फ्रेजल भाव। देखिएगा फ्रेजल भाव को कैसे क्रिएट किया जाता है मैं बता रहा हूं समझिए समझिए फ्रेजल भव कैसे बनते हैं समझिए देखिए अगर किसी भव के साथ अगर किसी, भाव किसी भर्व के साथ प्रीपोजिशन यदि किसी भर्व के साथ प्रीपोजिशन को ऐड कर दें और ए प्रीपोजिस प्लस प्रीपोजिशन के जुड़ने से इसका मीनिंग चेंज कर जाए तो इसी को बोलते हैं फ्रेजल भर्व फ्रेजल भर्व का निर्माण और भी होता है प्रीपोजिशन से ही केवल नहीं होता है अगर किसी भर्व के साथ आप एडवर्ब का यूज कर दें और इस भर्व का मीनिंग चेंज हो जाए तो इसको भी फ्रेजल भर्व भी कहते हैं आगे ध्यान दीजिएगा एक और स्ट्रक्चर क्रिएट होता है अगर भर्व है भर्व के साथ कभी कभी एडभ भी आ जाएगा और फिर इसके साथ प्रीपोजिशन भी आ जाएगा तो इस स्ट्रक्चर को भी हम लोग फ्रेजल भॉव ही कहते हैं तो फ्रेजल भव तीन तरीके से बन सकते हैं भॉ प्लस प्रीपोजिशन भर्व प्लस एडभ या फिर प्लस एडभ प्लस प्रीपोजिशन सारे लोग का मैं कमेंट तो नहीं पढ़ पाऊंगा जल्दी जल्दी तो ठीक है मतलब मुझे जरूरत लगेगा तो मैं पढ़ लूंगा देख लूंगा गैप लेना होगा तो मैं कंटिन्यू पढ़ाने पे फोकस करूंगा तो आप इस तरीका से फ्रेजल भर्व का निर्माण कर सकते हैं देखिएगा फ्रेजल भर्व को ही बोला जाता है कंपाउंड भर्व इसी को आप बोल सकते हैं क्या छोटू इसी को बोल सकते हैं कंपाउंड भर्व इसी को हम लोग बोलेंगे कंपाउंड भव अच्छा कंपाउंड भर्व या फ्रेजल भव बोलेंगे तो इसका मीनिंग क्या होगा तो इसके पास जो मीनिंग होगा ना इसके पास जो मीनिंग होगा ओरिजिनल वर्ब जो है जो रियल में वास्ता में जो हम लोग पहले से वर्ब लिए थे उसके मीनिंग से अलग मीनिंग होगा तो हैविंग डिफरेंट मीनिंग हैविंग डिफरेंट मीनिंग हैविंग डिफरेंट मीनिंग फ्रोम फ्रोम द मीनिंग फ्रोम द मीनिंग फ्रोम द मीनिंग ऑफ सेपरेट पार्ट्स सेपरेट पार्ट्स कहने का मतलब है कि जो फ्रेजल भर्व का निर्माण करने के लिए जिस भर्व और प्रिपोजिशन या फिर एडभर्व का हम लोग यूज किए हैं उसे कंप्लीट अलग मीनिंग होगा उसी को बोला जाएगा क्या फ्रेजल भर्व तो यही हमारा फ्रेजल भर्व है याद रहे फ्रेजल भर्व का निर्माण भर्व प्लस प्रीपोजिशन और एडभर्व से होगा अब निर्माण करके बताया जा रहा है कि हम लोग फ्रेजल भर्व का निर्माण कैसे करेंगे तो देखिएगा मैं एक यहाँ पे भर्व ले रहा हूँ लुक क्या मैंने लिया लुक और लुक के साथ मैं एक प्रीपोजिशन ऐड कर दिया जिसका नाम क्या है आफ्टर मुझे बताएं छोटू कि लुक का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है तो आपने बोला क्या वर्ब आपने क्या बोला वर्ब अच्छा आफ्टर क्या है बताइए आफ्टर क्या है प्रीपोजिशन आफ्टर क्या है प्रीपोजिशन तो इसके जुड़ने से हमारा क्या बना लुक आफ्टर क्या बना लुक आफ्टर दिख रहा है ना लुक आफ्टर इससे बना मेरा लुक आफ्टर और लुक आफ्टर को ही बोला गया फ्रेजल वर्ब लुक आफ्टर को ही बोला गया फ्रेजल भर्व अच्छा मुझे बताइए सारे हमारे भाई जानते हैं कि लुक मींस क्या होता है इसका मतलब होता है देखना इसका मीनिंग क्या है देखना और आफ्टर मीन्स क्या होता है के बाद क्या क्या होता है के बाद बताइएगा तो लुक आफ्टर फ्रेजल भर्व है जिसका मीनिंग होता है टू केयर ऑफ टू टेक केयर ऑफ किसी का देखभाल करना टू टेक केयर ऑफ जिसका मतलब हुआ किसी का देखभाल करना देखभाल करना देखिएगा हिंदी में आप लिख लीजिएगा किसी का क्या करना देखभाल करना आप मुझे ये बताओ कि देखना और एक है के बाद क्या इसका मीनिंग इससे कोई लेना देना है क्या नहीं है इसका मतलब तो हो गया देखभाल करना क्या है देखभाल करना तो कहने का मतलब है कि फ्रेजल भर्व को जो भर्व का हम लोग मीनिंग लेते हैं उसे कुछ लेना देना नहीं होता है सर हम पटना से हैं थैंक यू भाई आशुतोष कुमार थैंक यू सो मच मुझे लग रहा है कि मैं आपको पहचान पा रहा हूँ लेकिन आपका फोटो क्लियर क्लियरली विजिबल नहीं है तो ठीक है थैंक यू सो मच देखिए तो लुक क्या होता है देखना आफ्टर क्या होता होता है है के बाद और टू लुक आफ्टर क्या देखभाल करना तो हमारा क्या हो गया फ्रेजल भव तो देखना और के बाद का मीनिंग जरा सा भी आप देखिएगा तो लुक आफ्टर में इन्वॉल्व नहीं है तो इसी को क्या बोला जाता है इसी को हम लोग बोलते हैं क्या फ्रेजल भव बोलते हैं पे तो मैं निर्माण किया किससे भर प्लस प्रिपोजिशन से उम्मीद करते हैं कि सारे भाई समझ रहे होंगे चलिए एक मैं और बनाकर दिखाता हूं एक होता है ध्यान आप एक ले सकते हैं ध्यान दो लुकआउट क्या हो गया लुकआउट लुकआउट लिए तो आउट हमारा क्या है एडवर्ब क्या है एडवर्ब और लुक क्या है वर्ब इसका मतलब क्या हुआ देखना इसका मतलब क्या हुआ देखना और इसका मतलब क्या हुआ बाहर इससे फ्रेजल वर्ब हमारा क्या बनता है लुकआउट क्या बनता है लुकआउट और लुकआउट क्या है लुकआउट है फ्रेजल भर्व लुकआउट क्या है फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है सावधान होना क्या होना सावधान होना सावधान होना तो अब देखिएगा सावधान होना यहां पे है देखना और बाहर इसका मीनिंग क्या है? यहां पे है नहीं है तो फ्रेजल वर्ब का जो मीनिंग होता है ना उसका मीनिंग ओरिजिनल के मीनिंग से कोई लेना देना नहीं होता है उसी को बोला जाता है क्या फ्रेजल भाव। मैं निर्माण किया और एक स्ट्रक्चर और हो सकता है वो क्या है ध्यान दीजिएगा जैसे कि मैं एक लिखा लुक आउट फोर क्या मैंने लिखा लुक आउट फोर यहां पे आप ध्यान से देख रहे हैं डियर लुक हमारा क्या है भार्व है आउट क्या है एडव है और फोर क्या है प्रीपोजिशन है जिसका मतलब होता है सतर्क होना क्या होना सतर्क होना या फिर सावधान होना दोनों को बारी बारी से मैं Comprehensive तरीका से एक्सप्लेन करता हूं आगे देख लीजिएगा तो लुक आउट फोर ए भी हमारा क्या है ए भी हमारा फ्रेजल भव है ए भी क्या है फ्रेजल है। तो कहने का सिंपल सा अर्थ ये है कि फ्रेजल भव का निर्माण तीन तरीके से हम लोग कर सकते हैं भर प्लस प्रीपोजिशन भर प्लस एडभर्व या भर प्लस प्लस क्या हो गया प्रीपोजिशन ठीक है उम्मीद करते हैं कि सारे लोग समझ पा रहे होंगे तो चलते हैं अब हम फ्रेजल भव को शुरू करते हैं बारी बारी से आज हम फ्रेजल भव जो सबसे आसान वाला है लुक उसको पढ़ा देते हैं उसके बाद उसके बाद हम बारी बारी से सारे फ्रेजल भव को कंटिन्यू करेंगे पढ़ाएंगे तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में देखिए एक बात और सुन लीजिए भाई लोग एक बात और सुन लीजिए कि एक का एक फ्रेजल का से ज़्यादा मीनिंग भी हो सकता है एक फ्रेजल भर्व का एक से ज्यादा मीनिंग भी हो सकता है क्या मेरे पास स्लाइड खाली है नहीं तो ध्यान दीजिएगा स्लाइड नहीं खाली है तो मैं एक बता देता हूं जैसे कि एक होता है टेक मतलब क्या लेना टेक मीन क्या होता है लेना टेक से फ्रेजल भर बनता है टेक ऑफ टेक ऑफ का तीन मीनिंग होता है टेक ऑफ का एक मीनिंग होता है टू रिमूव टू रिमूव वंस ड्रेसेस फ्रॉम वंस बॉडी या फिर टू रिमूव समथिंग फ्रॉम वंस वंस बॉडीज ठीक है अपने शरीर से अपने बॉडी से कोई ड्रेस को क्या करना हटाना उसी को बोलते हैं क्या टेक ऑफ मतलब कपड़े आदि को उतारना यही टेक ऑफ का मतलब होता है एरोप्लेन या एयरक्राफ्ट का उड़ान भरना

तेजी से सक्सेसफुल होना या पॉपुलर होना तो ध्यान दीजिएगा किसी भी फ्रेजल के पास मल्टीपल मीनिंग हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू यूजेज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ठीक है तो जैसे जैसे आएगा मैं एक्सप्लेन करते जाऊंगा चलते हैं तो पहला फ्रेजल भर्व आपको पढ़ाता हूं मैं लुक क्या है लुक तो पहला फ्रेजल भर्व है लुक देखिए देखिए लुक तो पहला फ्रेजल लुक है तो देखिएगा सबसे पहला जो आपको लिया गया है वो क्या है लुक एट ठीक है मैं साइड हो जाऊंगा समय समय पे थोड़ा सा आज मैं शुरुआत किया हूं तो पता नहीं चल पा रहा उतना अच्छा से भाई ठीक है हो जाएगा बहुत जल्दी मैं चीजों को लेकर एडिक्ट हो जाऊंगा तो फिर मजा आ जाएगा हम लोग करने में देखिए लुक एट लुक एट का मतलब होता है देखना क्या होता है देखना Look at का मतलब होता है देखना बोल सकते हैं तो टू मूव आईज टू मूव टू सी to सी something. something या फिर क्या somebody. एस टी एच का मतलब समथिंग और एस बी का मतलब क्या हो गया समबडी आप कहीं और देख रहे थे आप कहीं और देख रहे थे लेकिन आपने अपने आंख को घुमाया किसी दूसरे वस्तु को देखने के लिए तो उसी के लिए हम लोग फ्रेजल भाव यूज करते हैं क्या Look at. जैसे हम बोलेंगे बच्चों को आ, प्लीज बोर्ड पर देखिए तो प्लीज लुक एट द बोर्ड प्लीज लुक एट मी मुझे देखिए लुक एट द गर्ल स्टैंडिंग इन द कॉर्नर स्टैंडिंग ऑन द स्टेज उस लड़की को देखिए जो कहाँ खड़ी है आ, स्टेज पे खड़ी है तो लुक एट का मतलब क्या होता है देखना लुक एट मींस क्या होता है देखना जैसे हम बोल सकते हैं प्लीज प्लीज लुक एट मी प्लीज लुक एट मी तो ये हो गया एक एग्जाम्पल एक सेंटेंस बनाकर आपको बता दिया गया कि लुक एट का मतलब होता है देखना कहीं आप और देख रहे थे और वहां का कांटेंसन छोड़कर आप कहीं और देखने लगे तो उसी के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या लुक एट लुक एट थैंक यू सो मच आपका भी बहुत अच्छा है आपका भी इस बार हो जाएगा सीजियल तो पहले से ही कॉन्ग्रेचुलेश हम भी खुश हैं अपने टीचिंग प्रोफेशन से अभी अच्छे से रहिए और इस बार सीजियल का सिलेक्शन का वेट कीजिए देखिए प्लीज लुक एट क्या हो गया मी इसका मतलब हो गया मुझे ध्यान से आ, किसी को ध्यान से क्या करना देखना किसी को ध्यान से देखना कहीं आप और देख रहे थे और अपने आप को घुमाकर किसी और को देखने लगे अगला है लुक आफ्टर लुक आफ्टर भी क्या है फ्रेजल भव है इसका मीनिंग क्या होता है ध्यान दीजिए इसका मीनिंग होता है टू टेक केयर ऑफ टू टेक केयर ऑफ टू टेक केयर ऑफ टू टेक केयर ऑफ का मतलब हो गया भाई देखभाल करना क्या हो गया देखभाल करना देखभाल करना जैसे आप बोल सकते हैं मैं ऐसे बोल सकता हूं माई मदर माई मदर इज लुकिंग आफ्टर मी माई मदर इज लुकिंग आफ्टर मी मेरी माँ मेरी देखभाल कर रही है तो उसके लिए हम बोल सकते हैं लुक आफ्टर उसके लिए आप टेक केयर ऑफ भी बोल सकते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है छोटू याद रखिएगा कि टेक केयर अपने साथ प्रीपोजिशन हमेशा क्या लेता है ऑफ लेता है और एक बात याद रखना कि केयर अपने साथ प्रीपोजिशन क्या लेता है फोर लेता है तो केयर अपने साथ प्रीपोजिशन फोर लेकर आता है और टेक केयर ऑफ अपने साथ प्रीपोजिशन क्या लेकर आता है ऑफ लेकर आता है मैंने अभी तक दो बताया एट का मतलब हो गया देखना देखना लुक आफ्टर का मतलब क्या हो गया देखभाल करना जैसे कि मेरी माँ मेरी देखभाल कर रही है तो लुकिंग इन टू नहीं होगा लुकिंग एट नहीं होगा बल्कि लुकिंग आफ्टर होगा हाँ केयर फोर सही है केयर फोर एलेक्स बिक्की केयर फोर बिल्कुल सही है कल क्लास है हाँ सारा ऑफलाइन क्लास चल रहा है भाई चलते हैं नेक्स्ट अगला फ्रेजल भाव क्या है देखिए फिर मैं लास्ट में एक बार रिवीजन करवा दूंगा बहुत अच्छा हो जाएगा अगला है लुक अहेड लुक अहेड का मतलब क्या होता है भाई आप कमेंट करके बताएं कोई भाई जानते हैं तो लुक अहेड का मतलब क्या होता है तो टू थिंक टू थिंक अबाउट फ्यूचर टू थिंक अबाउट क्या हो गया फ्यूचर मतलब भविष्य के बारे में क्या करना सोचना भविष्य के बारे में सोचना अहेड मतलब आगे इसको याद करना थोड़ा सा इजी है लुक अहेड का मतलब हो गया भविष्य के बारे में क्या करना सोचना और लुक बैक का मतलब होता है टू थिंक टू थिंक अबाउट पास्ट अबाउट पास्ट मतलब पास्ट को सोचते रहना पास्ट में क्या घटा क्या नहीं घटा उसको सोचकर पछताते पछताते रहना रिपेंट करते रहना तो उसी के लिए लुक बैक होता है किसी भी इंसान को सजेस्ट किया जाता है एडवाइस किया जाता है कि आ, पास्ट के बारे में ना सोचकर पास्ट के बारे में ना सोचकर भविष्य के बारे में सोचे भविष्य के बारे में सोचे और अपने गोल और अपने डेस्टिनेशन को लेकर प्रिपेयर करें खुद को तो देखिएगा इसका एग्जाम्पल मैं क्या लिख सकता हूं इसका एग्जाम्पल क्या है इट इज ऑलवेज बेटर इट इज ऑलवेज बेटर इट इज ऑलवेज बेटर टू थिंक टू थिंक अहेड टू थिंक अहेड एंड प्रिपेयर एंड प्रीपेयर प्रिपेयर देन देन टू थिंक टू थिंक या फिर ऐसे बोल सकते हैं थिंक मैं नहीं यूज कर सकता क्योंकि लुक यूज किया हूं तो हम यूज करेंगे लुक अहेड एंड प्रिपेयर देन टू लुक बैक लुक बैक एंड रिपेंट क्या हो गया लुक बैक एंड क्या हो गया रिपेंट तो बोला जाता है कि हमेशा यह बोलना यह ध्यान दीजिएगा सोचना बेहतर होता है कि आप आप पास्ट के बारे में सोचकर पछतावा करने से बजाय है कि आप भविष्य के बारे में सोचें और भविष्य के बारे में सोचकर अपना तैयारी को बेहतर करें तो ये है लुक बैक तो लुक बैक का मतलब हो गया पास्ट के बारे में सोचना और लुक एट का मतलब हो गया फ्यूचर के बारे में सोचना लव यू टू भाई ंदर कुमार लव यू टू भाई चलिए तो मैंने अब तक कितना करा चार करा लुक एट का मतलब हो गया देखभाल करना लुक आफ्टर का मतलब हो गया सॉरी लुक एट का मतलब हो गया ध्यान से देखना लुक आफ्टर का मतलब हो गया देखभाल करना लुक अहेड का मतलब फ्यूचर के बारे में सोचना और लुक बैक का मतलब हो गया पास्ट के बारे में सोचना ठीक है चलिए लाइट ठीक है ना अच्छा ठीक है मैं रेड नहीं यूज करूंगा चलिए नेक्स्ट देखिए आगे है लुक डाउन ऑन देखिए लुक डाउन ऑन का मतलब क्या होता है समझिए इसका मतलब होता है टू थिंक टू थिंक समवन समवन इनफेरियर इनफेरियर किसी को तुच्छ समझना किसी को कम समझना किसी को स्टैंडर्ड से कम समझना उसी को बोला जाता है लुक डाउन ऑन ठीक है जैसे बोला जाता है कभी भी खुद को मत समझो कभी भी खुद को कम नहीं समझो किसी से कम मत समझो कभी भी खुद को इनफेरियर नहीं समझो तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं लुक डाउन ऑन इसको आप सेंटेंस के माध्यम से लिख सकते हैं नेवर नेवर लुक नेवर लुक डाउन ऑन योर सेल्फ क्या हो गया इल्फ कभी भी खुद को इनफेरियर मत समझो कभी भी खुद को इनफेरियर मत समझो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे लुक डाउन ऑन ठीक है कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोग मतलब वैसे लोग को इनफेरियर समझते हैं जो कभी आ, स्कूल नहीं जाते हैं कभी कॉलेज नहीं जाते हैं तो उनको भी क्या करते हैं लुक डाउन ऑन करते हैं जैसे कि ध्यान दीजिएगा मान लीजिए कोई लड़की है तो सी ऑलवेज लुक डाउन ऑन द हैज या हु टू क्या हो गया कॉलेज जो कभी कॉलेज या स्कूल होकर नहीं आए हैं उनको वो लड़की हमेशा इंफेरियर समझती है तो लुक डाउन ऑन का यूज करेंगे उम्मीद करते हैं कि भी समझ गए होंगे बहुत आसान है है ठीक है? आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में डियर वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैं पढ़ाऊंगा आज ऐसे भी लेट हो चुका है कल से मैं टाइम पे रहूंगा देखिए आगे है लुक डाउन अपॉन दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है लेकिन फिर भी अंतर है लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है टू हेट क्या होता है टू हेट बोले तो क्या करना नफरत करना टू हेट बोले तो क्या करना नफरत करना जैसे कि ध्यान दीजिएगा हम बोल सकते हैं पीपुल पीपुल शुड नॉट पीपुल शुड नॉट लुक डाउन लुक डाउन अपॉन अपॉन द द पुअर एंड बेगर द पुअर एंड बेगर्स कह रहा है कि किसी भी लोग को कह रहा है कि गरीब लोग से या बेगर्स से नफरत नहीं करना चाहिए घृणा नहीं करना चाहिए तो उसके लिए फ्रेजल भाव हम लोग यूज करेंगे लुक डाउन अपॉन जय हिंद भाई जय हिंद भाई बिहारी एंटरटेनमेंट जय हिंद भाई तो ध्यान दीजिएगा इससे पहले हम लोग ने क्या पढ़ा लुक डाउन ऑन जिसका मतलब होता है किसी को इनफेरियर समझना और इसके बाद मैंने क्या पढ़ा लुक डाउन अपॉन जिसका मतलब होता है किसी से क्या करना नफरत करना जैसे लोग को गरीब लोग और भिखारियों से नफरत नहीं करना चाहिए तो लुक डाउन अपॉन यूज करेंगे डाउन अपॉन दोनों में ज्यादा अंतर विशेष करके नहीं है गौरव यादव थैंक यू सो मच भाई आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लुक फोर क्या है लुक फोर केवल बस आप लोग कंटिन्यू रहिए मैं हर रोज प्रत्येक दिन इंप्रूव करने का प्रयास करूंगा आज थोड़ा सा लेट हो गया ऑफलाइन क्लास ले रहे थे तो 12 से 13 घंटा ऐसे भी क्लास लेना होता है शाम में सारा अरेंजमेंट करना स्लाइड बनाना कंटेंट बनाना आज कोई भी नहीं था तो थोड़ा सा लेट हो जाता है जैसे लेट होता है तो माइंड पे प्रेशर बन जाता है कि पढ़ाना है फिर अभी रात में जाना है रूम पे जाते है तो ग्यारह बारह बज जाएंगे फिर उसके बाद सोना भी है फिर से कल से मॉर्निंग में साढ़े पांच बजे शुरू करना है तो एडिक्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा भाई लेकिन अगर इस चीज को मैं कंटिन्यू कर दूंगा ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा बस आप मेरा साथ नहीं छोड़िएगा मैं भी कभी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा आगे है लुक फोर देखिएगा लुक फोर क्या है लुक फोर का मतलब होता है टू सर्च इसका मतलब होता है टू सर्च फॉर समथिंग टू सर्च फॉर क्या हो गया समथिंग किसी चीज को क्या करना ढूंढना या तलाश करना बहुत इंपॉर्टेंट है ढूंढना या फिर खोजना ढूंढना या फिर क्या करना खोजना इसी को बोलते हैं लुक फॉर जैसे जैसे मैं आप बोल सकते हैं मैं अपने बाइक का चाबी ढूंढ रहा था खोज रहा था तो मैं बोलता हूं आप लिख लेना तो आई आय आय आई एम लुकिंग फॉर द की ऑफ माई बाइक मैं अपने बाइक का चाबी ढूंढ रहा हूं तो आई एम लुकिंग फॉर आई एम लुकिंग फॉर द की ऑफ माय बाइक वो लड़की एक अच्छी जॉब की तलाश में है तो सी इज लुकिंग फॉर अ गुड जॉब सी इज लुकिंग फॉर अ गुड जॉब तो लुक फॉर का मतलब होता है टू सर्च फॉर समथिंग ढूंढना या तलाश करना या फिर क्या हो गया खोजना ठीक है भाई क्लियर है ना क्लियर है ठीक देखिए चलिए नेक्स्ट वाले में लुक फॉरवर्ड टू लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है टू एक्सपेक्ट क्या हो गया टू एक्सपेक्ट टू गेट टू गेट समथिंग और मीट समवन मीट समवन इन फ्यूचर क्या हो गया इन फ्यूचर कर फ्यूचर में कोई चीज प्राप्त करने या किसी से मिलने के लिए जो एक उम्मीद होता है उत्सुकता से लोग उम्मीद करते हैं इंतजार करते हैं उसी के लिए लुक फॉरवर्ड टू का हम लोग यूज करते हैं मान लीजिए कि आपने आज मुझसे मिला फिर हम आप, आप दिल्ली चले गए मैं तो गया सिटी में ही हूँ आप दिल्ली चल गए कभी कॉल पे बात हुआ तो कॉल पे बात करते करते मैं बोलूंगा कि मैं आपसे मिलने के लिए उत्सुकता से इंतजार कर रहा हूं तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं आई एम रियली आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग मीटिंग यू अगेन मीटिंग यू क्या हो गया अगेन मतलब किसी से मतलब मिलने या कोई चीज को फ्यूचर में प्राप्त करने के लिए जो लोग उत्सुकता से इंतजार करता है उसी को बोलते हैं लुक फॉरवर्ड टू तो, तो इसको आप लिख सकते हैं उत्सुकता उत्सुकता से उम्मीद उम्मीद या फिर बोल सकते हैं इंतजार करना इंतजार करना उत्सुकता से कोई चीज प्राप्त करने या किसी से मिलने के लिए उम्मीद करना या फिर ध्यान दीजिएगा इंतजार करना इसी को बोला जाता है लुक फॉरवर्ड टू अच्छा लुक फॉरवर्ड टू को जो मैं पढ़ा रहा हूं तो इसे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट पढ़ा देता हूं ध्यान रखिएगा लुक फॉरवर्ड टू को एडवांस भर में पढ़ाया जाता है छोटू कि लुक फॉरवर्ड टू लुक फॉरवर्ड टू के साथ भीवन तो जरूर आता है लेकिन इसके साथ हमेशा हमेशा के लिए भीफोर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं जेरंड। क्या बोलते हैं जेरंड? एक ग्रामर के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रामर के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लुक फॉरवर्ड टू के साथ हमेशा हमेशा के लिए हम लोग भीवन यूज करते हैं कि जेरन तो आप लोग ने जवाब दिया जेरन आप लोग ने जवाब दिया क्या जेरन ठीक है चलिए सारे भाई लोग देख रहे हैं कितने लोग लाइव हैं 145 सौ पैंतालीस वाह बहुत खुशी हुआ कि अभी रात में जो खाना बनाने का समय है 145 लोग 145 फोर्टी फाइव स्टूडेंट्स वन ब्रदर्स अभी लाइव देख रहे हैं तो लुक फॉरवर्ड टू का मतलब हो गया उत्सुकता से उत्सुकता से कोई चीज को प्राप्त करने का उम्मीद करना या फिर इंतजार करना लुक फॉरवर्ड टू के साथ ध्यान दीजिए क्या लगता है भी फोर लगता है क्या है भी फोर दिखाई दे रहा ना भी फोर लुक फॉर ढूंढना खोजना और लुक फॉरवर्ड टू का मतलब हो गया उत्सुकता से उम्मीद करना इंतजार करना चलते हैं नेक्स्ट बाबू देखिए देखिए आगे है लुक इन टू लुक इन टू का मतलब होता है भाई लोग क्या होता है आप लोग कमेंट करके बताइए लुक इन टू का मतलब होता है टू इन्वेस्टिगेट क्या होता है टू एन्वेस्टिगेट टू एन्वेस्टिगेट बोले तो जांच पड़ताल करना चलो मैं हिंदी भी लिख देता हूं जांच पड़ताल करना जांच पड़ताल करना जांच पड़ताल करना।, करना जैसे कि हम बोल सकते हैं द न्यू पुलिस इंस्पेक्टर द न्यू इंस्पेक्टर या फिर आप ही यूज कर सकते हैं न्यू पुलिस इंस्पेक्टर इज लुकिंग आफ्टर सॉरी लुकिंग इन टू लुकिंग इंटू माई केस माई केस एक नया पुलिस इंस्पेक्टर है वही मेरे केस को क्या कर रहा है जांच पड़ताल कर रहा है तो लुक इनटू का मतलब होता है जांच पड़ताल करना वीडियो बहुत अच्छा है सर थैंक यू सो मच आप ही के लिए इतना सारा इन्वेस्टमेंट किए हैं और बहुत अच्छा हो भी जाएगा हम लोग कंटिन्यू रखेंगे चीज़ों को लेकर थोड़ा सा भी एडिक्ट नहीं हुई चीज़ों को लेकर तो यूज़ करने नहीं आ रहा है धीरे धीरे परफेक्शन आ जाएगा और फिर दिल्ली के टीचर्स और हम लोग में कोई डिफरेंस नहीं होगा हम भी आपके लिए बहुत अच्छा कर सकेंगे तो लुक इनटू का मतलब हो गया टू इन्वेस्टिगेट बोले तो जांच पड़ताल करना ठीक है जो चीजें है जो फैक्ट है उसके संदर्भ में इंफॉर्मेशन जुटाना सूचना जुटाना कि ये चीज कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ मर्डर कैसे हो गया मर्डर के पीछे क्या कारण रहा था इसका दोषी कौन है गिल्टी कौन है इस प्रकार के इंफॉर्मेशन को जुटाने के लिए ही हम लोग बोलते हैं जांच पड़ताल करना बोले तो लुक इंटू देखोगे देखभाल करना का अंग्रेजी होता है लुक आफ्टर देखभाल करना का मतलब किसी का केयर करना किसी का ध्यान रखना किसी का ख्याल रखना वो लुक आफ्टर है लेकिन कोई चीज घट गया है उसके पीछे का क्या क्या इंफॉर्मेशन है क्या क्या सीक्रेट है वो सबको जुटाना ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं लुक इनटू बोलते हैं आइए उम्मीद करते हैं कि सारे लोग देख रहे होंगे साथ-साथ लिख भी रहे होंगे चलते हैं नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट में क्या है एक है लुक अप क्या है लुक अप लुक अप का मतलब होता है टू फाइंड क्या होता है टू फाइंड समथिंग इन डिक्शनरी टू फाइंड समथिंग इन क्या हो गया डिक्शनरी किसी भी शब्द का मीनिंग डिक्शनरी में खोजना उसी को बोलते हैं क्या लुक अप देखिए अगर लुकअप को जो हम लोग ऐसे यूज करते हैं डियर लुक लुक के साथ जो हम लोग यूज करते हैं ना मतलब इस प्रकार से यूज कर सकते हैं कि लुकअप समथिंग भी आप यूज कर सकते हैं और लुक लुक समथिंग आप भी यूज कर सकते हैं तो ये होता है स्प्लिट भी हम लोग कर लेते हैं फ्रेजल भर्व को ध्यान दीजिएगा फ्रेजल भर्व का जो प्रीपोजिशन होता है किसी किसी का एक साथ भी यूज हो सकता है और हम लोग ऑब्जेक्ट के बाद भी यूज कर लेते हैं तो लुक अप समथिंग भी सही है और लुक समथिंग अप भी सही है इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है पेपर में इतना ज़्यादा डेप्थ में जाकर आपको नहीं पूछेगा बस आप याद रखेंगे कि लुक अप का मतलब होता है डिक्शनरी में किसी वर्ड का मीनिंग ढूंढना डिक्शनरी में किसी वर्ड का अर्थ खोजना उसी को बोलते हैं ध्यान दीजिएगा क्या हो गया लुक समथिंग अप जैसे कि ध्यान दीजिएगा एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं पीपुल हैव टू पीपुल हैव टू लुकअप लुक अप लुक अप दिस वर्ड दिस वर्ड इन द डिक्शनरी इन द डिक्शनरी ठीक है या फिर बोल सकते हैं लुक अप द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड लुक अप द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड मतलब इस वर्ड के आप मीनिंग को क्या कीजिए लुकअप कीजिए लुकअप मतलब डिक्शनरी में ढूंढिए यही हुआ लुकअप देखोगे लुकअप का और भी मीनिंग होते हैं मैं पहले ही बता दिया हूं कि किसी भी फ्रेजल वर्ब्स के किसी भी फ्रेजल वर्ब के मल्टीपल मीनिंग हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू यूजेज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन लेकिन मैं वही चीज पढ़ाता हूं जो एग्जाम में पूछता है मैं आपको 15 फ्रेजल भवस करवाने जा रहा हूं लुक से इससे बाहर एग्जाम में नहीं पूछेगा और जो भी एग्जाम में पूछ रहा है मुझे भली भांति पता है अच्छे से पता है कि एग्जाम में क्या पूछेगा क्योंकि मैं प्रत्येक एग्जाम में आई भी हो रहा हूं और सामने सी का टारगेट बैच भी चल रहा है तो मैं डेली 200-300 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करता हूं प्रीवियस तो मुझे पता है बस भाई जिस तरीका से भरोसा किए हुए ट्रस्ट किए हुए उसको बनाए रखिएगा मैं आपको वही चीज़ पढ़ाऊंगा जो एग्ज़ाम के लिए इंपोर्टेंट होंगे वैसे चीज़ नहीं पढ़ाया जाएगा जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा एक बात और याद रहे कि फ्रेजल भव का जो यूज होता है इनफॉर्मल इंग्लिश में होता है या स्पोकन इंग्लिश में होता है फ्रेजल भाव का यूज हम लोग फॉर्मल टेक्स्ट में नहीं करते तो अगर कहीं पे लेटर लिखना हो फॉर्मल ऑफिस में बैंक में या फिर गवर्नमेंट के पास तो वो सब लेटर में हम लोग फ्रेजल भाव का ज्यादा यूज नहीं करते तो फ्रेजल भाव का यूज, तो यूज कहाँ पे होता है फ्रेजल भाव का यूज होता है या तो इनफॉर्मल इंग्लिश में इनफॉर्मल टेक्स्ट में या फिर स्पोकन इंग्लिश में किया जाता है इसलिए जितना से हम लोग का काम चल जाए उतना ही पढ़ेंगे ज्यादा हम लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं है तो लुक अप का मतलब हो गया डिक्शनरी में किसी शब्द का अर्थ ढूंढना आप लिख लेंगे हिंदी में डिक्शनरी में किसी वर्ड का अर्थ ढूंढना इसी को बोलते हैं लुकअप चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट है लुकअप टू लुकअप टू का मतलब क्या होता है लुकअप टू का मतलब होता है टू रिस्पेक्ट टू रिस्पेक्ट एंड एडमायर एंड एडमायर एडमायर समबडी किसी का आदर करना या फिर किसी का प्रशंसा करना सम्मानित करना उसी के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या लुक अप टू लुकअप टू जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं अस्टूडेंट्स अस्टूडेंट्स शुड लुक अप टू हिम बच्चों को चाहिए कि उन लोगों को क्या करें उनका क्या करें आदर करें बच्चों को चाहिए कि उनका क्या करें आदर करें आप एक सिंपल से टेक्स्ट भी ले सकते हैं पहला एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं चिल्ड्रेन बच्चों को समझा सकते हैं चिल्ड्रेन शुड लुक लुक अप टू टीचर्स लुक अप टू क्या हो गया टीचर्स ठीक है टीचर्स शिक्षकों को क्या करना चाहिए आदर करना चाहिए रिस्पेक्ट करना चाहिए तो अगर रिस्पेक्ट करना या फिर ध्यान दीजिएगा एडमायर करने के लिए फ्रेजल वर्ब आप लुक से लेना चाहते हैं तो लुक से लेना चाहते हैं तो आपको कौन सा वर्ड लेना पड़ेगा लुक, लुक अप टू याद रहे लुकअप का मतलब डिक्शनरी में किसी वर्ड का मीनिंग ढूंढना और लुकअप टू का मतलब हो गया किसी को रिस्पेक्ट या फिर क्या करना रिस्पेक्ट या फिर क्या करना एडमायर करना एडमायर करना मजा आ रहा है सर थैंक यू सो मच भाई कि रात में आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं यही चीज आपको बहुत आगे ले जाएगा बहुत आगे ले जाएगा दीपावली दशहरा में एकदम वीडियो लाइव रहेगा इवन मैथ का भी हम चलवाएंगे और जितना भी एस का रीजिंग का अच्छा अच्छा क्वेश्चन हो चुका है उसका भी कलेक्शन लाया जाएगा फ्रेजल भव सारा हम पढ़ा दे रहे हैं मेरे पास जितने भी सीट है नॉन प्रोनाउन एडजेक्टिव हॉव कंजंक्शन प्रीपोजिशन सबको हम सोल्यूशन करवा के वीडियो अपलोड करवा देंगे यूट्यूब पर ताकि आप लोग को थोड़ा सा आसानी होगा प्रिपरेशन करने में अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करने में बहुत अच्छा हो जाएगा हम आपके साथ हैं आप मेरे साथ हैं तो किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है रेड पेन यूज नहीं कीजिए सर ठीक है कुमार कुमार मैं यूज नहीं करूंगा रेड पेन ठीक है चलिए आइए नेक्स्ट देखिए अगला है लुकआउट लुकआउट का मतलब होता है टू बी केयरफुल इसका मतलब होता है टू बी केयरफुल टू बी केयरफुल मतलब बोल सकते हैं तो हिंदी में लिख लेना सावधान होना टू बी केयरफुल का मतलब क्या हो गया सावधान होना जैसे कि एक एग्जाम्पल देखिए एस में पूछ चुका है आउट देयर इज स्नैक देयर लुक आउट देयर देयर इज अ स्नैक देयर इज स्नैक बिहाइंड यू बिहाइंड यू सावधान हो जाइए आपके पीछे क्या है एक सांप है तो लुक आउट का मतलब होता है क्या टू बी केयरफुल अच्छा लुक आउट फोर का मतलब क्या होता है देखिएगा यहीं पे मैं वर्ड लिया हूं तो लुक आउट फोर का मतलब दो मीनिंग बता रहा हूं एक तो इसका मतलब होता है टू केयर ऑफ टू केयर ऑफ टू टेक केयर ऑफ बोल सकते हैं टू टेक केयर ऑफ टू टेक केयर ऑफ समबडी किसी भी इंसान का वो क्या करना देखभाल करना तो बोलिएगा कि सर देखभाल करना तो दो अंग्रेजी आपने पढ़ा दिया लुक आफ्टर भी पढ़ा दिया लुक आउट फोर भी पढ़ा दिया तो हाँ देखभाल करना का दो अंग्रेजी मैंने पढ़ाया लुक आफ्टर का मतलब हो गया किसी का देखभाल करना ख्याल रखना और लुक आउट फोर का मतलब ही हो गया किसी का ध्यान रखना और उसको ये चीज आश्वस्त करना कि आपके साथ कोई भी बुरा चीज नहीं होने वाला है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं टू टेक केयर ऑफ तो टू टेक केयर ऑफ समबडी एंड एंड मेक श्योर एंड Mix your नथिंग mix your नथिंग बैड 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 हैपेंस हैपेंस टू हिम क्या हो गया टू हिम किसी का देखभाल करना और इस चीज को मतलब अस्वस्थ करना श्योर करना कि उसके साथ कुछ भी बुरा घटित होने वाला नहीं है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या लुक आउट फोर अच्छा लुक आउट फोर का एक मतलब और होता है से सावधान होना से सावधान होना से सावधान होना तो सावधान होना तो सर आपने दो बता दिया हां ठीक है ना केवल सावधान होना आप यूज कर सकते हैं लुक आउट और किसी से सावधान होना तो आप यूज कर सकते हैं क्या लुक आउट फॉर जैसे हम लोग बोलते हैं ना इसका एग्जाम्पल देखिएगा मैं यहां पे करवा देता हूं जैसे होता है लुक आउट लुक आउट फॉर पिक पॉकेट्स पिक पॉकेट्स पॉकेट मारो से सावधान रहो पॉकेटमारों से सावधान रहो तो पॉकेटारो से सावधान रहो तो यहां पे किसी से है तो किसी से सावधान बोलेगा तो लुकआउट फोर बोलिएगा और केवल बोलेगा सावधान होना तो लुकआउट बोलिएगा सावधान हो जाइए लुकआउट चोरों से सावधान हो जाइए लुकआउट फॉर पिक पॉकेट ठीक है और इसका एक मीनिंग और होता है छोटू इसका मीनिंग होता है खोजना एक मीनिंग होता है खोजना या फिर बोल सकते हैं ढूंढना खोजना या ढूंढना आपने फिर से मुझे बोलिएगा आप फिर से मुझे बोलिएगा कि आपने तो ढूंढना या खोजना का दो फ्रेजल बता दिया लुक लुक और आउट तो हा भाई दो होता है लुक का मतलब होता है सिंपली समान रूप से किसी चीज का तलाश करना और लुक आउट फोर का मतलब होता है लंबे समय से किसी चीज को तलाश करना या खोजना जारी रखना तो तू ध्यान दीजिएगा टू ट्राई टू टू ट्राई टू या फिर ध्यान दीजिएगा बोल सकते हैं टू ट्राई टू फाइंड समथिंग ठीक है मतलब पूरे ही फॉर्ट के साथ पूरे प्रयास के साथ किसी चीज को आप खोज रहे हैं तलाश कर रहे हैं और उसको ढूंढ रहे हैं मतलब पूरे प्रयास पूरे शक्ति से ढूंढ रहे हैं पूरे लगन से ढूंढ रहे हैं तलाश कर रहे हैं तो उसके लिए लुक आउट फॉर बोलते हैं ठीक है क्लियर है ना क्लियर है कि नहीं आप मुझे बताइए जल्दी से कमेंट करके प्रणाम गुरु जी गॉड ब्लेस यू डियर गॉड ब्लेस यू उज्जवल कुमार सर कैन आई ज्वाइन योर प्रैक्टिस बेस आप ज्वाइन कर सकते हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं बहुत अच्छा चल रहा है प्रैक्टिस बैस सी का मस्त चल रहा है बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं उम्मीद करते हैं कि जो सी का टारगेट बेस चल रहा है उसमें से दस बारह लोग का तो इस पर होना तय है चे सी एच को ऐड कर दिया जाए तो 20 से 25 लोग का भी होना तय है जितने भी भाई अभी तक ज्वाइन नहीं किए कर लीजिए उसमें मैथ रीजनिंग इंग्लिश सारे का सॉल्यूशन मेरे द्वारा करवाया जाएगा ठीक है चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में देखिए क्या है लुकआउट लुकऑन का मतलब होता है टू ऑब्सॉर्व समिंग इसका मतलब होता है टू एब्सॉर्ब टू एब्सॉर्ब समिंग विथ टू एब्सॉर्ब समिंग विथ अटेंशन विथ अटेंशन विदाउट विदाउट इन्वॉल्वमेंट विदाउट इन्वॉल्वमेंट कहने का मतलब है किसी भी चीज में बिना इन्वॉल्व हुए उस चीज को पूरे अटेंशन के साथ देखना ध्यान से देखना उसी को क्या बोलते हैं ऑन जैसे कि आपके मोहल्ला में आपके इलाके में आपके गांव में देखते होंगे कि अभी दो लेडीज के बीच में झगड़ा हो गया तो हिम्मत तो नहीं होता है कि दोनों के बीच में जो झगड़ा हो रहा है उसे छुड़ा दे अगर छुड़ा दीजिएगा तो हो सकता है कि वो लेडी आप पे भी अटैक कर दे तो लोग डरे डरे रहते हैं कि नहीं छोड़ाओ नहीं चलो और मजा आ रहा देखने में तो खड़ा होकर लोग उसको एकदम पूरे अटेंशन के साथ देखता है कौन किसको पटकता है कौन किसका बाल पकड़ता है तो इस प्रकार का जो सिचुएशन होता है ना उसी को बोलते हैं क्या लुक ऑन उसी को क्या बोला जाता है लुक ऑन तो पूरे अटेंशन के साथ पूरे अटेंशन के साथ बिना उस चीज में इन्वॉल्व हुए उसको देखना वर्ड क्या है लुक ऑन जैसे कि ध्यान दीजिएगा हम बोल सकते हैं सीवाज सी वाज लुकिंग शिबाज लुकिंग ऑन द फाइट बताओगे फाइट में युद्ध में शामिल हुई कि नहीं तो जवाब है कि शामिल नहीं हुई फाइट को फाइट को ध्यान से देख रही थी लेकिन हिम्मत नहीं हुआ कि फाइट में इन्वॉल्व हो जाए तो आप बोलिएगा सर लुकऑन का मतलब ही देखना लुकैट का मतलब ही देखना तो आप कहीं और देख रहे थे और आप कहीं और देख रहे थे तो आप अपने आप को आंख को आईज को क्या कर लिए मूव कर लिए किसी और चीज को ध्यान से देखने के लिए लुकैट है और आप ध्यान दीजिएगा कहीं और नहीं देख रहे थे बल्कि किसी चीज को आप पूरे अटेंशन के साथ उस एक्टिविटी में बिना अपने आप को इन्वॉल्व किए हुए ध्यान से देख रहे हैं तो उसी को क्या बोलते हैं लुक ऑन एयरफोर्स का बैच लाइए सर ठीक है भाई सोचते हैं क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा समय का दिक्कत है तो सोच सकते हैं उसके बाद मैं बताता हूं आगे चलते हैं डियर ध्यान दीजिएगा एक है आपका लुक थ्रू लुक थ्रू का मतलब होता है टू रीड टू रीड या फिर बोल सकते हैं एग्जामिन 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 समथिंग क्या हो गया समथिंग क्विकली क्या हो गया क्विकली मतलब कैसे तेजी से सरसरी निगाहों से जल्दी जल्दी कोई चीज को पढ़ना या देखना जांच करना उसी को बोलते हैं क्या लुक थ्रू जैसे कि आप मॉल में गए कपड़ा को जल्दी जल्दी देखते हैं कौन सा पसंद आ गया लुक थ्रू करते हैं जैसे कि मान लीजिए आपको मतलब कोई काम नहीं है छत्ता पे बैठ के पेपर को जल्दी जल्दी से पढ़ते हैं ये नहीं कि सीखने का प्रयास करते हैं पूरे ध्यान से बल्कि जल्दी जल्दी से हेडिंग पढ़ के पेपर को समाप्त कर देते हैं बहुत सारे भाई तो दस मिनट में पेपर का निपटारा कर देते होंगे तो उसको क्या बोलते हैं लुक थ्रू बोलते हैं लुक थ्रू लुक थ्रू का मतलब होता है जल्दी जल्दी से कोई चीज को करना पढ़ना जैसे कि हम बोल सकते हैं वेन वेन आई वॉज वेन आई वॉज वेटिंग वेन आई वॉज वेटिंग फॉर यू आई लुक्ड आई लुक्ड थ्रू आई लुक्ड थ्रू द न्यूज पेपर द न्यूज पेपर न्यूज पेपर कह रहा है कि जब मैं आपका इंतजार कर रहा था उसी समय पेपर को मैं क्या किया लुक थ्रू किया मतलब जल्दी जल्दी से क्या कर लिया पढ़ लिया तो चीजों को जल्दी जल्दी से पढ़ लेना विराट कोहली जीरो पर आउट हो गए क्या कीजिएगा सबका समय एक साथ नहीं होता ना सारे मैच में अगर विराट ही चलेंगे तो बाकी का क्या करेगा ठीक है विराट इज द बेस्ट देखिए वेन आई वॉज वेटिंग फॉर यू आई लुकड थ्रू दा क्या हुआ न्यूज पेपर तो लुक थ्रू का मतलब होता है कोई चीज को जल्दी जल्दी से पढ़ना चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड की ओर जो कि लास्ट है लुक ओवर लुक ओवर का मतलब होता है टू एग्जामिन टू एग्जामिन आप बोल सकते हैं टू एग्जामिन या फिर बोल सकते हैं रिव्यू ठीक है कोई भी चीज का क्या करना निरीक्षण करना लिख लीजिएगा किसी भी चीज का क्या करना निरीक्षण करना उसी के लिए हम लोग बोलते हैं लुक ओवर जैसे हम लोग बोल सकते हैं प्लीज प्लीज लुक ओवर योर आंसर योर आंसर बिफोर सबमिटिंग बिफोर 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 सबमिटिंग हमेशा से बोला जाता है कहीं भी एग्ज़ाम देने जाते होंगे तो आपको बोला जाता होगा कि आंसर को सबमिट करने से पहले अपने आ, सेट को सबमिट करने से पहले एक बार लुक ओवर कर लीजिए लुक ओवर का मतलब होता है लुक ओवर का मतलब होता है दोबारा जांच करना दोबारा जांच करना कि जो हमारा टेक्स्ट है जो हमारा डिस्क्रिप्टिव है जो हमारा आंसर है वो कहीं गलत तो नहीं है उसमें कहीं इंप्रूवमेंट कर सकते हैं क्या तो इसके लिए हम लोग फ्रेजल भर्व उसके लिए हम लोग फ्रेजल भर्व क्या यूज़ करते हैं लुक ओवर अच्छा बहुत सारे भाई कन्फ्यूज़ कर रहे होंगे कि आपने लुक थ्रू का मतलब ही टू एग्जामिन पढ़ाया और ध्यान दीजिएगा लुक ओवर का मतलब ही टू एग्जामिन पढ़ाया तो ध्यान दीजिएगा दोनों में डिफरेंस है आप किसी चीज़ को सुधारने के लिए या समझने के लिए अगर नहीं पढ़ते हैं तो उसके लिए लुक थ्रू बोलते हैं बस जल्दी जल्दी चीज़ों को देख लेना क्विकली देख लेना लेकिन लुक ओवर का मतलब होता है कोई चीज़ पे अब काम किए हैं और दोबारा से चेक कर रहे हैं कहीं पे मिस्टेक नहीं ना रह गया कहीं पे इंप्रूवमेंट तो नहीं ना किया जा सकता है तो इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं लुक ओवर बोलते हैं जैसे बच्चों को मैं हमेशा बोलता हूं कि अभी भी आपके पास समय है आप एक बार दोबारा से क्वेश्चन को देख लीजिए दोबारा से अपने क्वेश्चन आंसर को देख लीजिए अगर कोई क्वेश्चन स्कीप हो रहा है तो उसको बना डालिए अभी आपके पास पर्याप्त समय है तो वहां पर लुक ऑन यूज नहीं करते हैं लुक लुक ऑन नहीं यूज करते हैं लुक थ्रू यूज नहीं करते हैं क्या यूज करते हैं लुक ओवर लुक ओवर तो आज ए लुक से सिक्सटीन फ्रेजल भार में आपको पढ़ाया हूं अब खत्म हो चुका है और यही 16 सिक्सटीन आपसे पूछेगा लुक से इससे ज्यादा आपको फ्रेजल भर्व नहीं पूछेगा चैलेंज रहा इससे बार नहीं पूछेगा कभी पूछ भी दिया कभी पूछ भी दिया तो आपसे छूटेगा नहीं सारे फ्रेजल भाव बन जाएंगे जल्दी से मैं एक बार आपको क्या करवाता हूं रिवीजन करवाता हूं देख लीजिए देख लीजिए जल्दी से फ्रेजल वर्ब किसको बोले ভার প্লাস প্রিপোজিশন ভার অ্যাড ভার্ব ভার অ্যাড ভার প্রিপোজিশন কে কম্বিনেশন কো কিয়া বলা গয়া ফ্রেজাল ভার্ব इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कंपाउंड भर्व क्या बोलते हैं कंपाउंड भर्व फ्रेजल भर्व का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है डिफरेंट मीनिंग देता है किससे किससे मीनिंग ऑफ सेपरेट पार्ट सेपरेट पार्ट बोले तो भार बॉ रेट भार प्रीपोजिशन से इसके बाद बताया गया कि फ्रेजल भर्व का निर्माण कैसे होगा तो लुक आफ्टर लुक मतलब देखना आफ्टर मतलब के बाद लुक आफ्टर एक फ्रेजल भर्व हो गया जिसका मतलब देखभाल करना देखभाल करना के मीनिंग में देखना और के बाद का जरा सा भी कोई सेंस नहीं है ठीक है एक पहला हमने बताया एक हमने बताया लुकआउट लुकआउट का मतलब होता है टू बी केयरफुल टू बी केयरफुल बोले तो क्या होना सावधान होना लुक का ऐसे मतलब होता है देखना और ऐसे मतलब होता है आफ्टर आउट का मतलब क्या बाहर लेकिन लुक आउट का मीनिंग देखिएगा कंप्लीट चेंज हो गया तो यही तो फ्रेजल भर्व है एक मैंने और बताया कि लुक लुक आउट फोर ध्यान दीजिएगा लुक क्या है भर्भ है आउट मतलब के बाहर एडवर्ब ऑफ प्लेस है और फोर क्या है प्रीपोजिशन है लेकिन देखा जाए तो पूरा का, पूरा का पूरा क्या है फ्रेजल भव है पूरा का पूरा हमारा क्या है फ्रेजल भव है ठीक है आगे चलते हैं छोटू फिर आपको बताया गया बारी बारी से कि लुक को पहले लिया गया लुक एट का मतलब देखना होता है कहीं और देख रहे थे और नजर को घुमाकर किसी और को देखने लगे तो लुक एट हो गया लुक आफ्टर का मतलब होता है किसी का देखभाल करना किसी का ख्याल रखना जैसे कि मेरी मम्मा मेरी ख्याल रखती है तो लुक आफ्टर हो गया आगे आपको पढ़ाया गया लुक अहेड लुक अहेड का मतलब हो गया फ्यूचर के बारे में सोचना फ्यूचर के बारे में सोचना और आगे बढ़ना इंप्रूव करना मूव ऑन करना तो उसी को बोलते हैं क्या लुक अहेड Look back का मतलब क्या होता है पास्ट के बारे में सोचना और दिन भर पछताते रहना कि ये हो गया वो हो गया ऐसे इंसान कभी सक्सेसफुल नहीं होते इसलिए पास्ट में जो हुआ सो हुआ अब फ्यूचर को बेहतर करने का प्रयास कीजिए और फ्यूचर में बेहतर करने के लिए आपको प्रेजेंट में पसीना बहाना पड़ेगा दिन रात मेहनत करना पड़ेगा इसके बाद आगे पढ़ाया गया लुक डाउन ऑन लुक डाउन ऑन का मतलब होता है किसी को तुच्छ समझना किसी को कम समझना लुक डाउन ऑन का मतलब टू थिंक समवन क्या हो गया इनफीरियर जैसे नेवर लुक डाउन ऑन योरसेल्फ कभी भी खुद को क्या इनफीरियर नहीं समझो कभी भी खुद को इनफीरियर नहीं समझो तुच्छ नहीं समझो आप किसी से कम नहीं है तो लुक डाउन ऑन हो गया आगे ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट लिया गया है लुक डाउन अपॉन दोनों में बहुत कम डिफरेंस है लुक डाउन अपॉन का मतलब हो गया टू हेट किसी से क्या करना नफरत करना घिरना करना लोग को गरीबों से भिखारियों से नफरत नहीं करना चाहिए लुक डाउन क्या हो गया अपॉन हो गया आगे ध्यान दीजिएगा लुक फोर है लुक फोर का मतलब हो गया किसी भी चीज को क्या करना ढूंढना बोले तो तलाश करना तलाश करना जैसे कि मैं अपना बाइक का चाबी ढूंढ रहा हूं तो आई आई एम एम लुकिंग लुकिंग फॉर द की ऑफ बाइक आगे है लुक फॉरवर्ड टू लुक फॉरवर्ड टू का मतलब हो गया भविष्य में किसी से मिलने या किसी चीज को प्राप्त करने की उत्सुकता से इंतजार करना या उम्मीद करना वही होता है लुक फॉरवर्ड टू लुक फॉरवर्ड टू से आपको पढ़ाया गया एक्सप्रेशन की लुक फॉरवर्ड टू के साथ हमेशा हमेशा के लिए जिरण आएगा भीफ आएगा

टफ है थोड़ा सा डिफिकल्ट है सारे लोग नहीं पता होता आगे है लुक अप टू लुक अप मतलब हो गया डिक्शनरी में ढूंढना और लुक अप टू का मतलब हो गया किसी का रिस्पेक्ट या एडमयर करना किसी को आदर करना आदर करना लुक अप टू ढूंढना लुक अप तो ध्यान दिए बच्चों को चाहिए कि उनका क्या करें आदर करें बच्चों को चाहिए कि टीचर का क्या करें आदर करें तो लुक टू होगा आगे चलिएगा देखिए क्या है लुकआउट लुकआउट का मतलब होता है सावधान होना है? हिंदी सुनकर लिख लीजिएगा समय बहुत कम होता है लुकआउट का मतलब हो गया सावधान होना सावधान हो जाओ आगे कुत्ता है सावधान हो जाओ तुम्हारे पीछे सांप है और किसी से सावधान होना उसके लिए यूज करते हैं लुकआउट फॉर लुकआउट फॉर का एक मतलब और होता है किसी का क्या करना देखभाल करना किसी को देखभाल करना और चीजों को एश्योर करना सिक्योर करना कि आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा और लुक आउट फोर का एक मतलब और होता है किसी का क्या करना आदर करना सॉरी किसी का देखभाल करना लुक आउट फोर का मतलब से सावधान होना और लुक आउट फोर का ही मतलब होता है खोजना या ढूंढना या तलाश करना तो ऐसा नहीं होगा जैसे कि मैं अपना चाबी खोज रहा हूं तो लुक आउट फोर भी यूज कर सकते हैं लुक फोर भी यूज कर सकते हैं ऑप्शन में दोनों नहीं रहेगा ऑप्शन में एक ही रहेगा आगे लुक ऑन का मतलब होता है किसी चीज को ऑब्जर्व करना किसी चीज को ध्यान से देखना अवलोकन करना बिना उस एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व किए उसको ध्यान से देखना क्या होता है लुकाउन तो ध्यान दीजिएगा जैसे उन्होंने फाइट को क्या कर रहा था पूरे ध्यान से ऑब्जॉर्व कर रहा था देख रहा था तो हमारा क्या हो गया लुकाउन नेक्स्ट हमारा क्या है लुक थ्रू लुक थ्रू का मतलब हो गया कोई चीज को जल्दी जल्दी से क्विकली पढ़ना या ही देखना, क्या होता है? यहां पे क्या हो गया, हो गया. आगे आपको छोटू कि लुक ओवर लुक ओवर का मतलब होता है मुआइना करना निरीक्षण करना कोई चीज को पूरे ध्यान से पूरे ध्यान से चेक करना दोबारा देखना कहीं गलती नहीं रह गया उसमें क्या इंप्रूवमेंट है तो इस प्रकार के चीजों को समझने के लिए लुक

कुछ मैं कमेंट ले लेता हूं आप लोग का देख पा रहा हूं स्क्रीन पे तो जल्दी-जल्दी से कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट थोड़ा सा तेजी से आ रहा है मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं आ, सेशन था सर थैंक यू सो मच मस्त है सर थैंक यू सो मच पीडीएफ सर पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा लव यू टू भाई राहुल राय लव यू टू समीक्षा राज बहुत अच्छा थैंक यू सो मच एलेक्स विक्की बेस्ट और ठीक है कोई शायरी नहीं मार रहा मुझे शायरी सुनने का और सीखने का थोड़ा सा शौक है तो कभी कभी मार दिया करो लेकिन मैं पढ़ूंगा नहीं बस देख लूंगा कि अब कैसे शायर हैं जबरदस्त जिंदाबाद थैंक यू सो मच ठीक है तो आप लोग भी अब अच्छे से खाना प्रिपेयर कीजिए बनाइए खाइए और मस्त होकर सोइए ऑफिस से हम लोग कल मिलते हैं टारगेट बैच में और जिनका क्लास है मेरे पास क्लास में मिलते हैं तो थोड़ा सा देर हो चुका है ठीक है भाई बाय टेक केयर गुड नाइट लव यू ऑल जय हिंद